हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सलमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी वेजिटेबल पुलाव। चलिए इंग्रेडिएंट देख लीजिए। एक कप बीन्स, एक कप कैरेट, आधा कप पट आलू, चार से पांच हरी मिर्ची, एक कप पुदीना, एक कप कोथिमीर, छोटी कप से एक कप बटाने, एक बड़ा नींबू का रस, अब 250 ग्राम दही, 8 से 10 टमाटर, 2 चम्मच अदरक लहसुन और केसर। सूखे इंग्रेडिएंट में देखिए, 4 से 5 चकले, दालचीनी 3 स्टार, 8 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा जीरा, 4 बोजवार के पत्ते। दो चमचे गरम मसाला, 3 चमचे मिर्ची पाउडर, 1 चमचा नमक, आधा चमचा हल्दी। हम 1 केजी चावल के लिए बना रहे हैं, 1 केजी चावल, 1 केजी राइस के लिए बना रहे हैं हम, 1 केजी राइस के लिए बना रहे हैं हम। हमारे राइस वॉश करके हो चुके हैं, 15 मिनट्स के लिए सोक करेंगे। चलिए इसका वाटर बॉईल होने के लिए रखेंगे। राइस का वाटर बॉयल होने के लिए रखेंगे एक साइड। इसमें थोड़ी कोथिमीर, थोड़ा पुदीना, ड्राई चिकन स्टर, लौंग, दो इलायची, चार तेज पत्ता, शाही जीरा। थोड़ा तेल डालने से राइस स्टिकी नहीं होते, खुले खुले बनते हैं। थोड़ा सा तेल डालिए उसको। टू टेबल सॉल्ट, ऑनियन ब्राउन करने के लिए ऑनियन ब्राउन करने के लिए। एक सेट कढ़ाई में ऑनियन फ्राई करने के लिए 4 से 5 ऑनियन लिए हैं, और ऑनियन ऑयल गर्म होने के बाद में ऑनियन फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम ऑनियन डालते हैं इसमें। लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना। हमारा वाटर बॉइल हो चुका है, उसमें अब सोक किया हुआ राइस ऐड करेंगे। अब इसको 90% कुक करेंगे। यहाँ पर हमारी ऑनियन भी फ्राई हो चुकी है, अब इसको सेपरेट कर लेंगे, ऑयल से सेपरेट करेंगे। उसी ऑयल में जो हम बीन्स लिए थे ना, एक कप बीन्स फ्राई करेंगे। हमारे बीन्स हो चुके हैं फ्राई होके।
अच्छी वाली है जो बाहर पता को लिए ना उसको ट्राई कीजिए। इधर हमारे राइस भी 80-90% कुक हो चुके हैं। देखिए इतना रहना, इसे अब वाटर से सेपरेट कर देंगे, करके दिखाते हैं। फ्राई हो चुके हैं, इसे हम ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। आप कप कैरेट डालेंगे, वेजिटेबल आपसे आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। आपको कैरेट को भी 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वेजिटेबल को। अब हमारे कैरेट भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। इसमें बटाने डालेंगे, बटाने 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करना, नहीं तो बटाने हार्ड हो जाते हैं। फ्लेम को स्लो कर देके बटाने फ्राई हो चुके हैं, बटाने भी निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ऑनियन फ्राई करेंगे। एक छोटी ऑनियन है, हाफ ऑनियन है। इसी में हम 2 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन ब्राउन होने तक, प्याज और अदरक लहसुन दोनों ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। अदरक लहसुन और प्याज जो भी अच्छे से ब्राउन होना चाहिए, नहीं तो अदरक लहसुन की कच्ची बो आती है। अदरक लहसुन और प्याज जो भी फ्राई हो गए, या 8-10 टमाटर लेके कट करे हैं 1 kg राइस के लिए। टमाटर के इस ऑयल में अच्छे से फ्राई हुए तक, टमाटर गले तक इसको फ्राई करना। इसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक लेना। नमक हम खाने में भी डालें, नमक आप देख के डालिए। मैं 1 kg राइस के लिए इतना डाल रही हूँ। जो भी डाल के फ्राई कर, टमाटे फ्राई हुए तक मिक्स करेंगे। हमारा टमाटर और दही भून के हो चुका है, उसमें जो मिर्ची है मिर्ची डालें, इसका आधा गरम मसाला डालें। जो 2 स्पून लिए थे ना हम, 1 स्पून इसमें डालेंगे, 1 स्पून बिरयानी पे डालेंगे। पांच हरी मिर्ची लिए ना, 5 हरी मिर्ची, आधा कोथिमीर, आधा पुदीना, ये सब डाल के अच्छा फ्राई करेंगे। उसमें जो तले हुए वेजिटेबल्स है ना, वेजिटेबल डाल के अच्छे से फ्राई करें, फ्राई करना इसको। जो हम 1 लेमन का जूस लिए थे ना,
वो एक लेमन का जूस इसमें डाल देना थोड़ी ऑनियन इसमें डाल देना फ्राई करी हुई ऑनियन है ना आधी इसमें डालना आधी ऊपर से बिरयानी में डालना ग्रेवी को अच्छा थोड़ा सूखने सूखे तक पकाएंगे हमारे राइस कुक होके हो चुके इसको दो पार्ट में सेपरेट करें देखो ऐसा खुला खुला है ना राइस 90% कुक हुआ दो पार्ट में सेपरेट करें इसके ऊपर वेजिटेबल डालने का है ना हमारे वेजिटेबल भी हो चुके हैं वेजिटेबल भी कुक हो चुके हैं अब फ्लेम को बंद कर दीजिए जो हम वेजिटेबल की ग्रेवी करें ना इसको हाफ राइस निकाले थे ना सेपरेट उसके ऊपर ऐसा इक्वल कर दो उसी के ऊपर जो हाफ ऑनियन रखे थे ना अपन वो ऑनियन फ्राई ऑनियन गरम मसाला पुदीना कोथमीर उसके ऊपर से राइस डाल देंगे जो हम राइस हाफ सेपरेट करके रखे थे ना जो राइस हम आप सेपरेट करके रखे थे ना और राइस के इसके ऊपर लेयर डालेंगे जो ऑयल रखे थे ना हम एक एक कप निकाल के वो ऑयल इसके से डाल देंगे फ्राई और ऑयल है या हमने फ्राई करे तो ऑयल है ऐसा राउंड डालें थोड़ी जगह स्लो फ्लेम पे चलिए हमारे 15 मिनट्स के बाद देखते हैं हमारी बिरयानी दम हो चुकी है इसे सर्व करेंगे सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है इसे सर्व करेंगे फ्लेम को हाफ कर दे और बिरयानी को डिश आउट करेंगे अगर आपको ये रेसिपी जरी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी ये वेजिटेबल बिरयानी पक्के रेडी हो चुकी है अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़